तो इसी बीच में चंदन भी आ चुका है, आप देख सकते हैं वो आ रहा है चंदन। और ये है चंदन साड़स्कर, ये जुड़ रहा है मेरे साथ आज बीच पे, तो देखेंगे क्या मस्ती करते हैं हम दोनों दो लोग फ्रेंड्स। अभी मैं हूँ कारवार बीच पे, तो आज थोड़ा लेट हुआ आने के लिए, लेकिन ठीक है, ये वेदर तो ऐसा रहता है कि कभी भी आप आ जाओ बीच पे तो फ्रेश ही फील करेंगे। तो अभी मैं और चंदन जा रहे हैं जॉगिंग के लिए, उसी बीच में मैं आज थोड़े फ्लिप्स ट्राई करूँगा जो कि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, तो आज एक बार ट्राई करके देखूँगा कैसी हो रही है मेरी फ्लिप्स। फ्रंट फ्लिप करूँगा मैं, और चंदन भी है, उसको कुछ थोड़ा सा मालूम है तो वो मेरे को सिखाएगा आज। तो वो फर्स्ट टाइम कैमरा पे आ रहा है अभी, तो वो कुछ शर्मा रहा है, लेकिन जैसे मेरे साथ टाइम जाएगा वो भी एक्टिव हो जाएगा मेरे साथ वीडियो निकालने के लिए और बात भी करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं यहाँ पे। ये है ब्यूटीफुल व्यू ऑफ कारवार बीच, रविंद्रनाथ टैगोर बीच। तो फ्रेंड्स हम अभी जा रहे हैं राउंडिंग के लिए, तो थोड़ी एक्सरसाइज भी होगी, थोड़ा फन भी होगा, देखेंगे चंदन आज क्या मेरे को सिखाता है। साइड में हम लोग जा रहे हैं अभी, अराउंड 1 और 2 किलोमीटर स्लोली स्लोली रनिंग करेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा लाइट वर्कआउट करेंगे और थोड़े फ्लिप्स ट्राई करेंगे, देखेंगे वहाँ पे जाके। तो फ्रेंड्स अभी जा रहा हूँ मैं, बाद में चंदन भी मेरे को ज्वाइन करेगा, तो म्यूज़िक प्ले करके जाते हैं हम लोग, तो आ जाए। अभी हम लोग पहुँचे रॉक गार्डन के पीछे, और यहाँ से और आई थिंक 1.5 किलोमीटर रनिंग करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ रही है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं कौन जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो आप देख सकते हैं, यो यो फ्रेंड्स अभी 2 किलोमीटर रनिंग, ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रनिंग हम कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी ले रहे हैं रेस्ट, और यहाँ पे थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, लाइट एक्सरसाइज, वो आपको दिखाऊंगा मैं। और बाद में मैं बहुत दिनों से एक फ्रंट फ्लिप ट्राई कर रहा हूँ, तो उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हो चुकी है, तो देखते हैं आज और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तो वो भी ट्राई करूँगा। तो लेट्स डू इट। आज के लिए बस इतना ही, तो एक्सरसाइज सब हो चुकी है, अभी थोड़ी फोटो शूटिंग नहीं तो अदर एक्टिविटीज करेंगे यहाँ पे और निकल जाएंगे घर के लिए। अभी मैं तो बहुत टायर्ड हो चुका हूँ, चंदन तो फर्स्ट टाइम आया था, इसके लिए उसने जितनी उसको चाहिए उतनी ही एक्सरसाइज की है, और वो बंदा देख सकते हैं आप कितना फिट है, और उससे ही मैं अभी सीख रहा हूँ कैसे फिट होने का, तो वो कुछ मेरे को टिप्स देगा, तो देखेंगे। चंदन कुछ टिप्स दे दे बाबा, ठीक है
धूप भी बहुत निकल चुकी है यहाँ पे। अभी जाएंगे घर के लिए। तो और कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे तो देखेंगे। यहाँ पे एक टनल का भी काम चालू है। तो ऑलरेडी चंदन बोल रहा है कि वहाँ पे जाके एक व्यू देखेंगे वो एरिया का। तो मेरा मन तो कर रहा है अभी समंदर में जाके स्विमिंग करूँ, क्योंकि जब स्विमिंग करने के बाद जो फील आता है, फ्रेश फील आता है ना, वो बहुत ही मस्त रहता है। तो अभी बारिश का टाइम है और समंदर की कंडीशन इतनी स्टेबल नहीं है, तो मैं तो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। इसलिए अभी हम लोग जा रहे हैं ऐसे ही घर के लिए। तो यहाँ कारवार में ऐसी बहुत हिस्टोरिकल प्लेसेस और टेंपल्स जो बहुत ही सुंदर है, तो वो भी मैं अगले वीडियोस में डिस्कवर करूँगा। चंदन इसी के साथ कुछ बात करना चाह रहे हैं, अभी तक भी रेडी नहीं है वो बात करने के लिए, देखेंगे अगले वीडियोस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिश भी ड्राई करने के लिए रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच एरिया पे, जो कि अभी धूप निकली है उसके वजह से यहाँ पे सूखने के लिए रखी है। तो कुछ लोगों को बहुत ही पसंद है ड्राई फिश। फ्रंट प्रोसेस करनी पड़ती है, नमक बराबर लगना चाहिए, उसी नमक बराबर लगने के बाद ही उसी को टेस्ट आती है। तो ठीक है, हम लोग जा रहे हैं टनल के पास। फ्रेंड्स फाइनली अभी मैं पहुंचा हूँ घर पे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी अगली आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। डू इट एंड एंजॉय योर लाइफ।